अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजिन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज एक्सप्रेस की पहली खबर पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुमेरात को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से मुतालिक तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराए। बाशमूल तमाम अहम मुनफरिद नंबर जो डोनर और डोनी को जोड़ने में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 मार्च के फैसले में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स की तकरारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस संजय खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की सदाकत को चैलेंज करने वाली अहम दरख्वास्तों का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को डिप्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत मरकजी हुकूमत के बारे में फर्जी खबरों की शनाख्त के लिए जांच करने वाले यूनिट के क्याम के मरकज के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। ANI की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर व्हाट्सएप पर विकसित भारत मैसेज भेजने बंद करे। ये इकदाम कमिश्नर की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाने के लिए किया गया फैसलों के सिलसिले का एक हिस्सा है। जारी लोकसभा इलेक्शन 2024 में बराबरी की सत्ते के लिए अपने अजम को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज नॉन कैडर ऑफिसर्स के तबादले के अहकाम जारी किए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शामिल है। 4 रियासती यानी गुजरात, पंजाब, ओडिशा और वेस्ट बंगाल है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मुमकिन तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 9 समन को छोड़ देंगे, जो एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में जारी किया गया है। दिल्ली मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने कहा कि CM केजरीवाल ने जबरदस्ती इकदाम के खिलाफ तहफ़ की अपील करते हुए हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। साउथ बेंगलुरु से BJP MP तेजस्वी सूर्या पर मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर अजान के दौरान हनुमान चालीसवां बजाने के इल्ज़ाम में एक दुकानदार को लोगों के एक ग्रुप के जरिए मारा पीटा गया था। तेलंगाना हुकूमत उन किसानों की मदद करेगी जिनकी फसलों को गैर मौसमी बारिशों से नुकसान पहुंचा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवन रेड्डी ने होदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कुछ हिस्सों में सलाबारी से फसलों को होने वाले नुकसान का जायजा ले। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमों के होदेदारों से कहा कि वो लोकसभा इलेक्शन के पेशे नज़र मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मौसिर तरीके से लागू करने के लिए तालमेल से काम करे और इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। हैदराबाद पुलिस ने BRS लीडर के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवन रेड्डी के भाई पर इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा दर्ज किया है। BRS लीडर मन्ना कृष्णन ने कहा कि उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट और MLC महेश गौड़ की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।